गाइज आज है डे टू और आज हम जा रहे हैं सबसे पहले हम सेंट फ्रांसिस जो यहाँ का चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। ये चले हैं और हम अब सोच रहे हैं कि गाड़ी ना हम रेंट पे ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, और यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा कैब्स का खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा है, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पर ये सब चीज़ करने का, तो इससे बढ़िया है रेंट पे कुछ। सो गाइस, जब गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो ऐसे गाड़ी वो देते हैं और वो बोलते हैं कि अपनी एक वीडियो बना लो, अगर कोई स्क्रैच है या कुछ भी है, अगर आपकी तरफ से कोई भी स्क्रैच आएगा तो वो पेमेंट आपसे लेंगे। तो पहले अपनी वीडियो अपने पास रखनी है ताकि आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी में इतने स्क्रैचेस थे, और कल को वो ये ना भूल पाएँ कि ये स्क्रैच जो है या ये डेंट जो है आपने लगाया है। तो इसलिए मैं ये सारी वीडियो जो है गाड़ी की बना रही हूँ जहाँ जहाँ पर डेंट और स्क्रैचेस हैं। सारे लोग हैं, बारिश में भी इतने लोग जो हैं घूमने आए हैं, ये पापा और ये मम्मा, वो वहाँ से इसके एंट्रेंस है, और ये ओल्ड गोवा में पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हमने पिक्चर्स ली हैं वो बहुत सुंदर है, और हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक भी करवाई हैं। सो वहाँ पे गोवा शॉपिंग जो है सेंटर है, और ये सब यहाँ पे घूम सकते हैं, इसके अंदर जो है वो आर्ट गैलरी है, वो सब आप भी यहाँ पे आके घूम सकते हैं। गाइज, मैं दूसरे चर्च में आई हूँ, तो गाइज अब ये है दूसरा वाला चर्च जो कि है सी कैथेड्रल चर्च, और सी कैथेड्रल जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चर्च है, एशिया का जो ये सबसे बड़ा चर्च है, और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, बारिश हो रही है, बट नो डाउट यहाँ पे लोगों को जो घूमने का क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, और लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बारिश में भी कोई छाता, और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके मतलब लाइक विंड शीटर्स जैसे 100-200 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी बारिश के मौसम में, जिसमें आप प्रॉपर जो है उसको पहन के घूम सकते हो, और उसमें कपड़े भीगने ही रहे हैं, जिसमें दिखाती हूँ कैसे। तो ये बाबा ने पहनी है विंड शीटर, और यहाँ से पापा और मम्मा चले हैं दोनों, पापा ने पहनी, मम्मा ने नहीं पहनी क्योंकि मम्मा को पिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये सामने दिख रहा है आपको चर्च जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसकी एंट्रेंस है वहाँ से, ये ओल्ड गोवा में है, आपको ये सी कैथेड्रल चर्च जो है ये मिल जाएगा, और सी कैथेड्रल के सामने ही आपको बॉम जीजस का चर्च मिलेगा, और वो है सामने जहाँ पर सेंट फ्रांसिस की बॉडी है। तो ये सारा आप देख सकते हैं, एरिया बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो गाइज, दिस इज़ द चर्च, और ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मतलब ग्रीनरी के साथ जो है चर्च में, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप शॉर्ट्स और
उन कपड़ों में अलाउड नहीं है। आपको दुपट्टे से या किसी से अपनी लेग्स को कवर करना है, और आप या जीन्स और ट्राउज़र में हैं, ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस यहाँ पे चलती नहीं हैं, तो वो अलाउड नहीं करते हैं। तो बेटर टू कवर योर सेल्फ विद दुपट्टा। दुपट्टा भी ये चार्जेबल ही देते हैं, मतलब अगर आपको चाहिए तो। और ये ज़रा व्यू है यहाँ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बस वो आप खोलोगे तो ही खुलेगा। अच्छा, जहाँ से बनेगा मतलब ऊपर से दिखेगा सामने ना, तब बना। ये बन ले लो। लो। मैंने करवाई है ब्रीडिंग और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। मैंने ऊपर इसलिए करवाई क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा अलग सा डिज़ाइन हो जाएगा, और मम्मा ने मेरे को बोला कि करवा ले, तो मुझे शौक भी था। और अभी डिलीवरी हो रहे मान, और इसको खोलना कैसे है ये ज़रा, यहाँ पे एक इन्होंने जो ये लगा रखा है, इसको अगर हम खोलेंगे तभी ये खुलेगा, अदरवाइज ये ऐसे रहेगा। हेलो, तो हम जा रहे हैं क्रूज़ में, और क्रूज़ का ये होता है कि आप नॉर्मल क्रूज़ जो है वो बुक करवा सकते हैं, वो मैं वेरी एक्साइटेड। और उसमें क्रूज़ के अंदर ना आप मतलब कितने भी, जैसे आप पर पर्सन यहाँ पे रेट है 500 या फिर 400, लाइक दिस रेट था दिया, तो आप क्रूज़ में जाइए और क्रूज़ में जाके आप अपना इंजॉय कीजिए। बट जो स्नैक्स और फूड होंगे वो अलग से होंगे, तो वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। गाइड, हमें यहाँ पे एक गाइड मिल गए थे जिन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे एक चर्च है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चर्च है, और चर्च का नाम जो है वो मेंशन कर रही हूँ मैं, आप प्लीज़ उस चर्च को ज़रूर देखिए। और वो यहाँ का मतलब वन ऑफ दी मोस्ट फेमस जगहों में, जब हम करते हैं ना टॉप 10 प्लेसेस में, उसमें आता है। सो आई एम श्योर। मम्मा करवा रही है ब्रीडिंग और दीदी करेंगे इनकी ब्रीडिंग। आगे से मत करो दीदी, थोड़ा पीछे से करो। हाँ जी, मैक्लोरिस चर्च, और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये पंजिम के साथ है, पंजिम जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, तो यहाँ पे सारी क्रूज चलते हैं। और अभी हम क्रूज में भी जाएंगे, बट लेट मी शो यू दिस मेन थिंग। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं अपनी क्रूज़ की तरफ, और क्रूज़ में हम बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। गोवा, सो गाइस, पीपल आर यू ऑल एंजॉयिंग द स्टे इन गोवा? क्या आप लोग गोवा में मजा कर रहे हो? इतने सारे लोग बैठे, सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, आवाज में दम रहना चाहिए यार। क्या आप लोग गोवा में मजा कर रहे हो? वेल दैट इज फेयर। वेल, स्मॉल इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड, प्लीज डू नॉट थ्रो एनीथिंग इनटू द वाटर, पानी में कुछ भी फेंकना मना है अपने आप को भी। विल बी अ वेल स्टॉक पास लाइक काउंटर राइट बिहाइंड यू ऑल, वेयर लेडीज टॉयलेट टुवर्ड्स माय लेफ्ट एंड जेंट्स टॉयलेट टुवर्ड्स माय राइट। वेल, दरवाजे के पीछे लेडीज और जेंट्स टॉयलेट है।
वेल जब भी हमारे डांसर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे तभी किसी को भी डांस फ्लोर एंड नो स्मोकिंग ऑन दिस बोट इफ एनीबॉडी फाउंड स्मोकिंग दे चार्ज ऑफ ₹500 वेल धूम्रपान करना मना है ₹500 जुर्माना भरना पड़ेगा वेल बिसाइड दैट सबको इक्वली मौका मिलेगा डांस फ्लोर पे आने के लिए वेल बच्चों के लिए कपल्स के लिए लेडीज के लिए जेंट्स के लिए एंड देन सबके लिए और हमारी तरफ से तीन कल्चर डांस रहेंगे आप सब लोगों के लिए सो गाइस क्या आप लोग तैयार हो शो के लिए Well, let's begin the show. First, I'd like to call all the kids on the dance floor. Yeah. Make us a mara break. Ora hai tu, panchus mere dil. Chalna sab bulana. Beautiful, can't get